कृपया इस बात को याद रखिए, जीवन का एक ही उद्देश्य है प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त होना। कहाँ है? प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या अविनाशे जाते। जहाँ प्रेमा भक्ति होगी वहाँ अज्ञानता नहीं होगी, अविद्या नहीं होगी। आज हम सब अविद्या में हैं, कोई ज़्यादा है कोई कम है, क्योंकि प्रेमा भक्ति नहीं है। प्रेमा भक्ति जो है वो क्या करेगी, हमारे हृदय को हमारे मन को शुद्ध कर साफ कर देगी। ये भक्ति का लक्षण है। और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तुम असली काम करने में लग जाएंगे। अभी हृदय की शुद्धि ना होने के कारण हम संसारी कामों में लगे हुए हैं। याद रखो, संसारी कामों से ना ही हमारे पूर्वज कुछ ले गए और ना ही हम कुछ ले जाएंगे, सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे। समझ इसलिए नहीं आती, अशुद्धि है। तो अभी मुझे एक व्यक्ति मिला दक्षिण भारत का, बुलाया था उसको, आया नहीं। दक्षिण भारत का व्यक्ति, उसकी बेटी हैं, दो बेटी हैं, बेटा कोई नहीं। तो बड़ी बेटी के दो बेटे हैं, वो दक्षिण में कहीं गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा, बच्चों ने कुछ श्लोक बोले। तो ऐसा है, महाप्रभु ने क्या दिया हमको, महाप्रभु ने हमको भक्ति दी है। महाप्रभु का आदेश भक्ति करने के लिए है। भक्ति क्या है? सेवा। और सेवा क्या है? भक्ति। किसकी? श्री कृष्ण की। कहाँ बैठना है आपने? उधर पीछे स्टूल दे दो उनको, स्टूल है अभी दे दो। तो सांप वाला दे दो। तो भक्ति जो है हमारी अंतरात्मा को, हमारे मलिन मन को शुद्ध कर देगी। ये भक्ति का लक्षण है। और मन में विराग भी आ जाएगा। अभी विराग नहीं है, अभी संसार की वस्तुओं से अनुराग है। धन बढ़ जाए, संपत्ति बढ़ जाए, विषय विकार भोग विलास बढ़ जाए, ये जितने बढ़ जाएंगे उतना जीव अधोपतन को हो जाता है, उतना ही उसका पतन हो जाता है। और फिर वो आवागमन में 84 के चक्र में चला जाता है। तो भक्ति और प्रभुपाद जी की क्या देन है पूरे संसार को? भक्ति। प्रभुपाद ने भक्ति करना सिखाया। सारी दुनिया जो है, सारी दुनिया के लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं और कोई भी शांत नहीं है। चाहे वो करोड़पति है, लखपति है, ककपति है, शांति किसी को नहीं। तो प्रभुपाद कृपा से जो लोग भक्ति करने में लगे, भगवान के लिए उन्होंने जिन्होंने भक्ति की, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। उन लोगों को शांति का अनुभव होने लगा। शांति केवल भगवान की निष्काम भक्ति में। जैसे महाप्रभु ने शिक्षा दी ना, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवताद भक्ति अहित भेंट हुई। हे सर्वशक्तिमान भगवान, खुद चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, पर हमारा कल्याण कैसे होगा वो सिखा रहे हैं। धन, प्रायः लोग धन के पीछे हैं। अभी देखो एक उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। एक बहुत बड़ा सेठ, बड़ा धन कमाया उसने, पर लेकिन शांति नहीं है बेचारे को। तो वो क्या करता है? अपने पुत्र को ही वही काम करवाता है जिससे उसको शांति नहीं मिली।
वो क्यों ऐसा करवाता है? अरे भाई, जो काम तूने किया तो तुम्हें शांति नहीं मिली, पुत्र को कोई और काम करा जैसे उसको शांति मिले, क्यों वही काम करवाता है? कहता बेटा, मैंने इतना धन कमाया, बहुत कुछ किया, और अभी मैं नरक में जा रहा हूँ, और तुम भी पीछे पीछे मेरे वहीं आना, तू भगवान के पास क्यों जाएगा? ये अज्ञानता, मूर्खता है। संसार में किसी को सुख शांति नहीं है। इस संसार को भगवान ने क्या घोषित किया गीता में? मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु वह है। ये मृत्यु जो है, जन्म मृत्यु, ये समाप्त करनी है शरीर के द्वारा, और ये संसार दुखालय, दुखों का घर है। लेकिन हम मूर्ख जीव इस दुखों के घर में ही सुख चाहते हैं। जब भगवान ने दुखों का इसको घर घोषित किया है, तो इसमें शांति कहाँ मिलेगी, सुख कहाँ मिलेगा? फिर वो उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया मृग का, मृग चर्म। मृग जो है वह रेत में, गर्मियों का दिन, अभी बड़ी गर्मी चल रही है, रेत में मरुस्थल राजस्थान में पहुंच जाता है, प्यास लगी है उसको, रेत भी गर्म है, बड़ी प्यास, धूप बड़ी तेज है, रेत में पानी खोजता है, पशु है ना, दूर देखता है कुछ पानी की तरह है, सोचता पानी मिल गया, पानी पीऊँगा और प्यास बुझाऊँगा। उसे कहते हैं मिरस, मिराज। सूरज की रोशनी रेत पर पड़ने से वो रेत चमकती है पानी की तरह, भागता है, जब वो पास पहुंचता है तो कुछ भी नहीं, मूर्ख, फिर उसी रेत में पानी खोजेगा। अरे भाई, पहली जगह तेरे को नहीं मिला, दूसरी जगह क्यों मिलेगा? पशु का अक्ल नहीं है। आज का मनुष्य भी पशु बन रहा है, दूसरी तरफ भागता है, पास पहुंचता है कुछ नहीं, तीसरी तरफ भाग भाग कर शरीर का जो थोड़ा बहुत पानी है वो खत्म हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है वह। तो ये गति हम सब की है। हम सब लोग जो है ना, इस दुख रूपी संसार में पैसे में सुख खोज रहे हैं। सुख है हरि चरणों में, संसार में कहीं नहीं। सुख है कृष्ण की भक्ति में। कृष्ण की भक्ति जो है, जिस जिसने भी हृदय से अपनाई वो सुखी हो गया। सब बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा उदाहरण तो प्रभुपाद का है, जिन्होंने कृष्ण भक्ति अपनाई है, पूर्ण रूप से वो कृष्ण पर निर्भर हैं। गुरु जी ने कहा था 1922 में कि तुम अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार करो भक्ति का, पहले उधर जाने लगे थे वेस्ट इंडीज़ में, त्रिनिदाद में, हम गए थे त्रिनिदाद तो वहाँ बताया उन्होंने, ये देखो प्रभुपाद जी का लेटर, पहले वो यहाँ आना चाहते थे, फिर भगवान ने प्रेरणा की, नहीं तुम अमेरिका जाओ, अमेरिका है, कोई विशेष जान पहचान नहीं, लेकिन भगवान पर, श्री कृष्ण पर पूर्ण रूप से निर्भरता, पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर होने के कारण कृष्ण उनके साथ साथ है। कोई प्रचार करने की जगह भी नहीं थी तो एक पार्क में जाकर ही प्रचार शुरू कर दिया, कीर्तन करना, फिर प्रवचन करना, और इतनी उनकी वाणी में बल था, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धि में ही शक्ति है, इतनी प्योरिटी थी कि जो जो जिन जिन के कानों में शब्द गए प्रभुपाद जी के मुकाबले से निकले हुए, एकदम अंदर चले गए और उन्होंने शुद्धि कर दी और उनके अंदर जागृति हो गई। तो हमें शुद्धि करनी है अपनी। पहली बात ये ध्यान में रखो, ये शरीर मुझे भगवान को पाने के लिए मिला है, ये शरीर और किसी काम के लिए नहीं। अगर मैंने कोई सोच लिया है मेरा ये काम वो, सब मन की मलिनता है,
मन की मलिनता है, मलिन मन की हर बात बेकार है, मलिन मन की हर बात बेकार है, और हरि नाम ही सार है, सार है भगवान का नाम। तो अब साउथ इंडियन मुझे बालक मिले, बड़े अच्छे श्लोक बोल रहे थे, वो वेदांत मतलब पढ़ते हैं। फिर मैंने उसको जो प्रभुपाद जी से सीखा उसको बोला, आप सब भी ध्यान से सुनो, पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भया न कोई। बड़े लोग ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन कोई पंडित नहीं बनता। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। जिसका प्रेम भगवान से हो गया वो असली पंडित है, या ग्रंथ पढ़ने वाला पंडित है, कौन है? हैं? जिसका कृष्ण से प्रेम हो गया, जिसका कृष्ण से प्रेम हो गया वो असली पंडित है। आज प्रेम किसी का ही नहीं भगवान से, लोगों का प्रेम है लाभ प्रतिष्ठा में, मान सम्मान, मेरा मान सम्मान हो, ये हो वो, मेरे पर धन आ जाए बहुत, भगवान से प्रेम किसी का नहीं है। तो कृष्ण से जिसका प्रेम हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर श्री कृष्ण के चरणों से तेरा प्यार हो जाता, तो भव सागर से तेरा बेड़ा पार हो जाता, तो भव सागर से तेरा ये मैं लगाई प्रीति विषयों से न कीनी हरि भक्ति तूने, लगाई प्रीति विषयों से न कीनी हरि भक्ति तूने, विषय विकारों से प्राय हम सबका प्रेम है, भगवान से प्रेम नहीं है। अगर भगवान से प्रेम हो जाता तो हम भगवान की भक्ति करते, उसी में हमारा कल्याण होता। तो गीता में भगवान ने योगों का वर्णन किया, ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख योग, योग करते जो हमको भगवान से मिला है। ये योगों का भगवान ने वर्णन किया, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं भक्त्या माम भी जानाते यावन जस जस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशदे तदनंतरम, मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सके। और कोई रास्ता मेरे को जानने का, खुद कह रहे हैं भगवान, योग उन्होंने बताया, बोला मैं जैसा हूँ केवल भक्ति सेवा, यही महाप्रभु ने सिखाई और यही प्रभुपाद जी ने दी। लेकिन हम लोग भूल गए, मन शुद्ध नहीं हुए, जब हम मोह माया में पड़ जाते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं तुम अपनी पुरानी आदतों को दोहरा रहे हो, यू आर रिवाइविंग योर ओल्ड हैबिट्स। ये जो हमारी पुरानी बातों को दोहराना है इसको समाप्त करना है, भगवान की निष्काम भक्ति करनी है। जब हम बहुत सारी वस्तुओं से मोहग्रस्त रहते हैं, उनका त्याग नहीं कर सकते, तो होता क्या है, आखिर में भी
जिन वस्तुओं से हमारा मोह था ध्यान उधर जाता है। अंत मटा सो गता, अंत काल में जो ध्यान आया वही हमको प्राप्ति होगी। अभी देखो जैसे महाराजा भरत का प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, महाराजा भरत जो थे सारी दुनिया के राजा थे, उनके पिता भगवान ऋषभदेव थे, ऋषभ भगवान के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र शायद एक पुत्री भी थी 100। अभी देखो जो लोग सनातनी नहीं थे, ना उन्होंने सनातनी रख ली है, लेकिन वो मानने वाले दूसरे मत के थे, उन्होंने उनका ये प्रयास है भारत को गजवे हिंदुस्तान बनाना है। क्या गजवे क्या कहते हैं है? वो बनाना है, और हम उनको बनाने दे रहे हैं, वो मतलब संख्या बढ़ाने में लगे हुए। हिंदुओं में ऐसा था पहले पहले 2 या 3 बस, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मुसलमान थी, उसका नाम मैमूना बेगम था, खसम भी तो उसका मुसलमान था, फिरोज़ खान का बेटा हिंदू कैसे हो गया फिर? तो उसने जो है एक बार जब वो प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, तो उधर गई थी अपना अफगानिस्तान गई थी, तो नटवर सिंह जो फॉरेन मिनिस्टर था वो साथ में था, उसने कोई और जगह अरेंजमेंट किया था उसके जाने का, लेकिन वो गायब हो गई। तो नटवर सिंह पीछे पीछे पहुंच गया, वहाँ कहाँ गई? वहाँ पर बाबर की कदर पर गई, कब्र पर, बाबर की कब्र पर वो गई और प्रार्थना कर रही है। नटवर सिंह ने लिखा है, ये प्रार्थना कर रही है कि आप लोग जो काम नहीं कर सके, हिंदुस्तान को मुस्लिम देश नहीं बना सके, ये पठान नहीं बना सके ना, वो मैं करूँगी। तो ये नटवर सिंह ने लिखा, तो उन्होंने कि ये लोग यही हैं बस। अभी पाकिस्तान बना, आपको पता कितनी बुरी हालत है पाकिस्तान की, भूखे मर रहे हैं लोग, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आटा नहीं मिलता, कोई मिलता ही नहीं, और इतना पाप उन्होंने किया। वे जब पाकिस्तान बना बेकसूर हिंदुओं को मारा। मैं एक बार दिल्ली से चंडीगढ़ का ट्रेन में सफ़र कर रहा था, मेरे साथ एक सीट खाली थी, एक बुज़ुर्ग आके बैठ गया, कहते मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ सफ़र कर रहा हूँ। मैंने कहा आप चंडीगढ़ रहते हैं? कहते नहीं, मैं पंचकूला रहता हूँ। मैंने कहा वहीं के रहने वाले को बताने लगा, नहीं मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। तो उसने मुझे बताया, वो बेचारा रोने लगा, मेरी भी आंखों से आंसू आ गए। कहता है जब पाकिस्तान बना, मेरे पिता कहने लगे बेटा अभी मुसलमान बनना पड़ेगा, नहीं तो ये मार देंगे लोग हमको। मैंने कहा मैं नहीं बनूँगा। क्या करेगा फिर? कहते कि हमारे कुछ जान पहचान के थे, मैं उनके घर चला गया। उनके घर गया तो मारने वाले आ गए, कहते मेरे देखते देखते सभी को मार दिया। मारने वालों को जो लीडर था मेरे लिए कहते इसको नहीं मारना। मैं अपने घर में आया, हमारे घर के 20-25 मेंबर थे, कोई नहीं, खून ही खून था, वो भी सब मार दिए गए। अभी वो मिला जो लीडर था उनका मारने वालों का, तो भाई मेरा कोई नहीं रहा, अभी बच्चा था 9-10 साल का, वो बुज़ुर्ग बता रहा तब, तो पाकिस्तान बना। कहते तेरे को नहीं मारना, तो फिर क्या करेगा? तेरे को बॉर्डर पे छोड़ देता हूँ। मुझे बॉर्डर पे छोड़ दिया उसने, रो रहा है बेचारा, कितने जुल्म। ट्रेनें भर के उधर से इन्होंने भेजी वाघा बॉर्डर अमृतसर, लिखा हिंदुओं ये हमारी तरफ से तुमको तोहफा। फिर सरदार भाई शुरू हुए,
ना मुसलमान मारे, ट्रेन भरी कहते हैं मुसलमानों ये हमारी तरफ से तुमको तोहफा। तो इन्होंने इतना जुल्म किया बेकसूर लोगों को, क्या धर्म है ये बेकसूर लोग, अरे भूखे मर रहे हैं सारे। अभी एक बारे का टीवी कैमरे वाला 14 अगस्त की शूटिंग कर रहा है, वो 14 अगस्त मनाते हैं, हम 15 अगस्त शूटिंग कर रहा है। तो बोले 14 अगस्त की आज़ादी का दिन था, कहते क्या आज़ादी, औरत कह रही है लाशें निकल रही हैं घरों से, हर घरों से लाशें, क्या आज़ादी मिली है हमको। तो वो दूसरे को कहते हैं भैया ये इसको तुम जो है ना वाइप आउट कर देना, इसको नहीं रखना। रहा वो बता रही है दुखी हैं लोग, इतने दुखी। अरे किसी की जान लेकर तुम सुखी हो सकते हो? पशुओं को तो ये मारते हैं, मनुष्यों को भी इन्होंने पशुओं की तरह मारा। और अभी देखो हिंदू लोग इतने मूर्ख हो गए हैं, संख्या घटा रहे हैं। उसने बोला दो या तीन बस, फिर हम दो और हमारे दो भी एक बार आ गए। संख्या बड़ी तेज़ी से घटती जा रही है, और वो हम 5 और हमारे 25, चार औरतें को पांचवा और 25 बच्चे आ गए। तो हालत बहुत ख़राब हो रही है, कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी, कोई करे ना करे हम करें। देखो अगर हम करेंगे तो तरेंगे, नहीं करेंगे तो मरेंगे और नरक में सड़ेंगे। समझो इन बातों को। तो हमें भगवत प्राप्ति करनी है, अगर शांति नहीं होगी, मारकाट होगी, तो कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है? हो सकती है? बोलो। प्रभुपाद भी कहते थे कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए हमें यहाँ रहना होता है, हम यहाँ रह के भगवत प्राप्ति करें, लेकिन ये लोग नहीं करने देंगे। इनको तो भगवत प्राप्ति करनी नहीं, और ये दूसरों को भी नहीं करने देंगे। तो हमें कुछ करना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए, भक्ति करनी है, भगवान को पाना है। अगर भक्ति करने में कोई लग जाता है तो वो बड़ा ही एक शुद्ध ऑस्पिशियस, एक शुद्ध व्यक्ति बन जाता है। भक्ति माता का ऐसा प्रभाव है, जैसे प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, कितना प्रभाव था उनका, जहाँ जहाँ भी जिस जिस देश में भी गए, अमेरिका में गए, कनाडा में गए, लोग भक्त बनना शुरू हो गए। पहला सेंटर न्यूयॉर्क खोला, दूसरा उधर भेज दिया सियाटल में, तीसरा वैंकूवर के पास कौन सी जगह, मॉन्ट्रियल में भेज दिया। जाओ जगह जगह सेंटर खोलना शुरू हो गए, उनके प्रभाव से लोग भक्त बनना शुरू हो गए। तो भक्त जो बन जाता है वो बड़ा विशेष है। तो पैसा कुछ काम नहीं है अनंत में, याद रखो, भक्ति की होगी तो भक्ति अंत में काम आएगी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अंत में काम आएगी, और इसी भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। और कोई रास्ता भगवान को जानने का नहीं है। 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। ऐसे नहीं चल रहा, लाइट चली है, काफ़ी देर रही तो जाना भी था, उसको बिजली सारी रात बिजली नहीं, बुरी हालत है। तो भक्ति भगवान की सेवा सबको, ये प्रो और सेवा कैसी, निष्काम, कोई भौतिक कामना नहीं। जैसे भगवान ने कहा ना धनम, मुझे धन की कोई इच्छा नहीं, जन्म गुरु है तो बड़े शिष्य इकट्ठे करने की इच्छा नहीं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरम, मुझे सब लोग सुंदर स्त्री चाहते हैं वो भी नहीं चाहिए, कविताम मुझे बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, ना धनम ना जन्म ना सुंदरम कविताम वाह जगदीश काम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, तो मुझे क्या चाहिए, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी द्वे,
मुझे प्रभु जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? मैं आपकी भक्ति तो करूं लेकिन बदले में कुछ नहीं। भक्ति करें बदले में कुछ नहीं। मतलब अभी देखो, हम भक्ति भी करते हैं तो हम लोग कुछ ढूंढते हैं, कुछ मिलना चाहिए नहीं। कृष्ण प्रेम पाने के लिए मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, स्वाय कृष्ण प्रेम के और हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे पीछे बोलो सारे, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी ओ हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें श्याम ओ हमें कृष्ण, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, कोई नहीं चाहिए। हे श्याम, हे कृष्ण, बस आपका प्यार। जब हम चीज़ों में नश्वर वस्तु में पड़ जाते हैं ना, तो प्यार को, कृष्ण प्रेम को भूल जाते हैं। हमें याद रखना है खाली कृष्ण का प्रेम चाहिए, कृष्ण के चरणों में प्रेम भक्ति, और कुछ नहीं चाहिए। आदमी आदमी जब भौतिक वस्तुओं के पीछे होता है तो पागल हो जाता है वो। जैसे दो भाई थे, एक बदमाश, शिकार खेलना, मांस खाना, जुआ खेलना, दुष्कर्म करने, और एक भक्त बड़ा भगवान। एक दिन देव संयोग से क्या हुआ, उधर से वो शराबी आ रहा बंदूक लेकर और शिकार खेलने जा रहा है, इधर से भक्त जा रहा है उसका भाई, दोनों सगे भाई हैं। हुआ क्या, जा रहा भक्त इधर से तो जाते जाते उसके पाँव को ठोकर लगी, जोर से आदमी का केवल ऐसा हो जाता है, ठोकर लगी, उसका नाखून निकल गया अंगूठे का और खून निकलने लगा, बड़ी दर्द हुई और पाँव को पकड़ के वहीं बैठ गया वो। उधर से ओ बदमाश उसका भाई आया, उसने कहा यही तो भक्ति करता है, खून निकलना है तेरा, देख मैं अब ये जा रहा हूँ बंदूक लेकर, जानवर मारूँगा, मांस खाऊँगा, शराब पीऊँगा, मजा करूँगा, तू बेवकूफ़ है। उसने क्या किया, जब ये कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ शिकार खेलने, वो जिस पत्थर से भक्त को ठोकर लगी ऊपर को था, उसने उसको बट मारा बंदूक का जो है, वो पत्थर हिला, फिर उसने पत्थर जब हटाया क्या देखा, नीचे से एक बर्तन मिला जिसमें 20 अशरफिये, 20 सोने के सिक्के उसमें पड़े हुए। क्या देख, देखो उसने ठोकर मारी, मुझे सोने के सिक्के मिल गया। वो भक्त बड़ा दुखी हुआ बेचारा, उसने अपने गुरुजी को कहा कर कि गुरु महाराज ऐसे ऐसे आज घटा, ये क्या प्रभु का अन्याय है। हरि बोल, पर्दा आगे कर दिए तूने घड़ी के, ये क्या अन्याय है, ऐसी सारी बात बताई गुरु जी को, वहाँ बड़ा दुखी हो गया। गुरु भी बड़े पहुँचे थे उसके, गुरु जी ने ध्यान लगाया, प्रभु ये क्या हुआ, ये बड़ा दुखी है बेचारा। तो भगवान ने ध्यान में बताया गुरु जी को कि आज के दिन तेरा जो शिष्य है इसको फांसी लगनी थी, लेकिन इसने सच्ची भक्ति तेरे कारण की तो वो फांसी का सूली का कांटा बन गया, ये थोड़ा सा कष्ट। आज के दिन उस शराबी कबाबी को 20,000 मोरे मिलनी थी सोने के,
कॉइन मिलने थे, 20,000 के 20 रह गए इसको। तो कई बार जो मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन होता कुछ और है, हम समझ नहीं पाते। भगवान की करनी जो है ना, वो कहा ना कि भगवान जैसे रखें वैसे हमने रहना सीखना है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रही, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाए, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, फल आशा त्याग फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि जिंदगी की मौत जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, मैलों में राखे चागे झोंपड़ी में बास दे, धन्यवाद निरभिवाद बारंबार कहिए, धन्यवाद निरी विवाह बारंबार, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग संग रहिए, साधु संग अंग संग जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, सीताराम 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 कही, सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम रघुपति राघवि राजा राम पतिता पावन सीता राम पतिता पावन श्री राम जय राम जय जय राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हमें भगवान पर निर्भर होना सीखना है तभी हमारा जीवन ठीक चल सकेगा। जब तक हम भगवान पर निर्भर होना नहीं सीखेंगे तब तक परेशानी रहेगी। मान लो अगर हम भगवान पर निर्भर नहीं है तो फिर क्या है, हम मन पर निर्भर रहे और मन जो है ना ये बड़ा दुष्ट बताया है इसको। मना एवा मनुष्या नाम कारणम बंधन मोक्ष, जो मन ही जीव के बंधन का कारण है जब ये बस में नहीं, और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है जब ये बस में है। तो हमने इस मन को हरि सिमरन में लगाना है। जब हरि सिमरन में मन लगेगा तो ये शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। मन रे हरि गुण गा, मन मन रे हरि गुण गा, मन उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिनकी कृपा से अहल्या
राम उजागर वो अपना कर गए नाम उन संग प्रीत लगा उन संग मन रे हरि गुण का मन रे जिनकी कृपा से अमर भई मीरा जिन नाम उजागर कर गई मीरा उन संग प्रीत लगा उन मन रे हरि गुण का कवि तो राम खबरिया लेंगे तेरे भी दुख दूर करेंगे दुखों से मत घबरा दुखों से मत घबरा मन रे हरि गुण गा मन रे हरि गुण गा तू हरि गुण गा प्रभु गुण गा प्रभु गुण गा प्रभु गुण गा प्रभु गुण गा देखो जिसने भगवान का नाम लिया जिसने अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप दी उसका निश्चित रूप से कल्याण हुआ। पर प्रायः हम लोगों ने अपने जीवन की डोरी अपने मन के हाथ में छोड़ी हुई है। मन बहुत दुष्ट है, मन हमको जाल में फैलाया फंसा के रखा है। इस मन से बचो, ये मना मन जो है बहुत दुष्ट है। और भगवान ने जब अर्जुन ने कहा ना कि प्रभु चंचलम ही मना कृष्ण परमाथी बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुर एव सदुष्करम। प्रभु मन बहुत चंचल है, वायु को कोई भले बस में कर ले पर मन बस में नहीं होता। अर्जुन क्या कहते हैं, असंशयम महाबाहु मनोदुर्नी ग्रहम चलम। अर्जुन कहते हैं मन को बस में करना कठिन है, भगवान भी कहते हैं ये शक्तिशाली अर्जुन महाबाहु मन बड़ा दुराग्राही है पर अभ्यास ही ना तू कौनते या तू बार बार अभ्यास कर ये मन को मेरे में लगाने का। और दूसरी बात मन में विराग ला, मेरा कुछ नहीं, अभी अटैचमेंट है ना हमारी, ये चाहिए वो चाहिए दुनिया की चीज़ें चाहिए, कुछ भी मेरा नहीं है यहाँ। शरीर जब तक मेरा नहीं है तो बाकी वस्तुओं क्या मेरी है, लेकिन मन इनसे मोह ग्रस्त है तो मन में विराग मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा विराग मतलब ये विराग लाना है, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है। मैंने जब जन्म लिया सब कुछ था, अभी भी है, चला जाऊंगा फिर भी रहेगा, मैं मालिक कहाँ के बीच में बन गया। मालिक तो कृष्ण भगवान है, मालिक सबका मालिक एक श्री कृष्ण, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है और उनकी भक्ति करनी है, संसार से विराग उत्पन्न करना है। जैसे बार बार मन भगवान के चरण में लगाने से क्या होता है कि जब
कुएं से पानी निकाला जाता है। रस्सी क्या वो शब्द में बोल रहा हूँ, बोल गया तुम। कर्त कर्त अभ्यास से जड़मति होत सुजान, मूर्ख जो है वही बुद्धिमान बन जाता है। रस्सी आवत जात से शिला पड़त निशान, रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। कुएं से जब पानी निकाला जा रहा है और रस्सी बार बार पत्थर को लग रही है, रस्सी तो नरम है, कुआ जो पत्थर है वो बड़ा सख्त है, बार बार लगने से उसमें भी निशान पड़ जाता है। कर्त कर्त अभ्यास से जड़मति होत सुजान, अभ्यास करने से जो मूर्ख है वो भी बुद्धिमान बन जाता है। जैसे रस्सी आवत जात से, रस्सी आने जाने से शिला पड़त निशान, शिला में निशान पड़ जाता है। इसलिए सब भक्ति करो और भक्ति का प्रचार करो। प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय है, सभी भगवान के प्रिय बनो और जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। आज 3 तारीख है, कल 4 है ना, आज 2 तारीख है, 2 तारीख ये शब्द प्रभुपाद जी ने शिक्षा अमृत होनोलुलु में 2 तारीख को ये शब्द कहे थे। विषैले फल का वृक्ष होने से अच्छा है कि वृक्ष हो ही नहीं ना, जहर वाला वृक्ष है उसमें जहर वाले फल लगे हैं, अच्छा वृक्ष हो ही ना, ये आज की शिक्षा है प्रभुपाद जी की। तो अगर हम बेकार के बन जाते हैं तो क्या फायदा उसका, अच्छे बनना है, अच्छे फल लगे, हम अच्छे बने, भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़े, अंत नारायण स्मृति हो और अपने घर को वापस चले जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो। सोनू सनातन धर्मदास देहरादून से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, श्रील प्रभुपाद जी के मंत्र में हम कहते हैं पाश्चात्य देश तारिणे, जबकि श्रील प्रभुपाद जी ने तो पूरे विश्व को तार दिया है, तो क्या हमें प्रणाम मंत्र में समस्त देश तारिणे बोलना चाहिए? वैसे बोलो तो कोई हर्जा भी नहीं है, पर जैसा है एज इट इज रखो, पाश्चात्य देश तारिणे, बदलना नहीं कुछ भी।
मैं भी वैसे सारी दुनिया को ही तारा उन्होंने, लेकिन शुरुआत वहाँ से हुई ना, पाश्चात्य देश पहले वो तरे, फिर हम लोगों को भी अकल आई। बहुत सारे लोग, अभी एक आदमी हमको कनाडा में मिला, शर्मा था दिल्ली का, कहते महाराज हम दिल्ली में थे, कोई भगवान को मानते ही नहीं थे, मैं कनाडा में आया, मैं तो भैया भक्त बन गया, पता लगा हमें अपने धर्म का। विदेश में प्रभुपाद जी की कृपा से कई लोगों का जीवन बदला। पाश्चात्य देश तारे ही करे सुनो। शिवम गोयल अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी मैं 2 साल से 16 माला कर रहा हूँ, क्या अब मैं तुलसी की माला पर जप कर सकता हूँ, कृपया करके बताएं। कर सकते हो, हर्जा भी कोई नहीं है, उस पर भी कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं। वैसे तुलसी की माला पर जप करो, बड़ी शुद्धि रखनी, बड़ा साफ साफ सफाई बहुत रखनी होती है। श्यामा माता जम्मू से, हरे कृष्ण महाराज जी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज के दिन मेरे शरीर का जन्म हुआ था, आप मुझ पतित पर कृपा करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कृष्ण प्रेम के भाव से भर जाऊं। आपकी पतित बेटी क्षमा। क्षमा, आज तेरा जन्मदिन है तो फिर पार्टी होनी चाहिए थी कुछ। क्या पार्टी करेगा को मधु प्रिया क्षमा के जन्मदिन पर? आज तेरा जन्मदिन है तो जन्मदिन पर तो पार्टी होती है, आगे जैसी तेरी इच्छा। क्षमा बेटी। शैलेंद्र राम रतन सुरीनाम से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। आई हैव अ हार्ट कंडीशन एंड आई एम इन हॉस्पिटल फॉर 9 डेज नाउ। 5 आर्टरीज आर थिकन्ड ड्यू टू डायबिटीज। आई हैव टू परफॉर्म अ बाईपास सर्जरी 1 or 2 times। प्लीज ब्लेस मी टू गेट वेल सून। शैलेंद्र, माई बेस्ट विशेज आर देयर फॉर यू। यू प्लीज प्रे टू प्रभुपाद आल्सो फॉर योर गुड हेल्थ। कीप ऑन चैंटिंग ऑल द टाइम हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? राखी माता राजस्थान से, हरे कृष्ण महाराज जी आपके पावन श्री चरण। राखी, राजस्थान से तेरा प्रश्न आया, बहुत गर्मी आ गई इधर। बहुत गर्मी है तेरे राजस्थान में, और तो राजस्थान से तूने वृंदावन में गर्मी बहुत छोड़ दी है। राखी ऐसा मत करो, हम गर्मी को यूज टू नहीं है, तो गर्मी छोड़ दी। चलो राखी बोलो, क्या प्रश्न तुम्हारा? महाराज जी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में फिजिकल टीचर हूँ। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहती, लेकिन परिस्थिति के कारणवश मुझे कई बार सख्त बोलना पड़ता है। मैं क्या करूं, मैं कैसे शांत रहूं? अभी वैसे टीचर को जब समझाना पड़ता है, थोड़ा बोल भी सकती है, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी को प्रार्थना करो, तुम बिल्कुल कुछ बोलना ही नहीं चाहती तो प्रभुपाद को बोलो, वो कृपा करें। चलो अभी प्रसाद लीजिए, ये डब्बा और भी है। चलो